हेलो एवरीवन, आज हम डायगोनल मेथड देखेंगे फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। और हमारे पास एग्जांपल है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 86 बाय यूजिंग डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड से हम चाहे कितने भी डिजिट का नंबर हो उसका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ 86 का स्क्वायर निकालना है। सो चलिए इसे शुरू करते हैं। डायगोनल मेथड में सबसे पहले हमें एक स्क्वायर बनाना होता है। सो यहाँ रफली हमने एक स्क्वायर यहाँ बना लिया, रफली यहाँ एक स्क्वायर हमने बना लिया है। सो अब आपके पास कितने डिजिट का नंबर है वो देखना है, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है। यहाँ 86 हमने लिया, 86 दो डिजिट का नंबर है। सो n इज इक्वल टू 2 लिखें। यदि हम n स्क्वायर लेते हैं सो यहाँ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4। अब आप देखें 4 क्या शो करता है। 4 ये शो करता है कि इस स्क्वायर को हमें 4 इक्वल साइज के सब स्क्वायर्स में डिवाइड करना है। तो अब आप n माइनस 1 लें, जब n माइनस 1 लेंगे आपको मिलेगा 2-1 इज इक्वल टू 1। सो 1 क्या शो करता है, 1 ये शो करता है कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन लेकर इस स्क्वायर को हम 4 इक्वल साइज के सब स्क्वायर्स में बांट सकते हैं। यानी 1 वर्टिकल लाइन हमने यहाँ ले लिया और 1 हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लिया। जब 1 वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल लाइन लिया सो ये स्क्वायर 4 इक्वल सब स्क्वायर्स में डिवाइड हो गया। अब हमें जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है, यानी हमारे पास है 86, उसे इस स्क्वायर के टॉप में हॉरिजॉन्टली और लेफ्ट में वर्टिकली प्लेस कर दें। सो टॉप में हमने हॉरिजॉन्टली यहाँ 8 को और यहाँ 6 को प्लेस कर दिया, इसी तरह से यहाँ हमने 8 को इसके बाद 6 को यहाँ वर्टिकली प्लेस कर दिया। अब अगेन इसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी सब स्क्वायर्स का डायगोनल बनाना है। सो इस तरह से आप डायगोनल बनाएं। हमने इन सभी सब स्क्वायर्स का डायगोनल बना दिया। सो अब हमें 8 को 8 से, 8 को 6 से, फिर 6 को 8 से और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, और जो प्रोडक्ट मिलेगा उनके सामने जो सब स्क्वायर्स हैं उनमें उसे फिल करना है। तो चलिए इसे फिल करते हैं। कैसे हम फिल करते हैं, 8 जा 64, यानी 6 जो होगा डायगोनल के अपर पार्ट में होगा और 4 जो होगा वो डायगोनल के लोअर पार्ट में होगा। 8 जा 48, सो 4 जो होगा डायगोनल के अपर पार्ट में होगा और जो 8 होगा डायगोनल के लोअर पार्ट में होगा। अगेन 6 जा 48, सो 4 डायगोनल के अपर पार्ट में, 8 डायगोनल के लोअर पार्ट में। अगेन 6 जा 36, सो 3 यहाँ होगा और 6 यहाँ होगा। या यूँ कहें कि जब 8 जा 64 हमने लिखा सो यूनिट प्लेस के डिजिट को डायगोनल के लोअर पार्ट में और टेंस प्लेस के डिजिट को डायगोनल के अपर पार्ट में प्लेस किया। और यदि नंबर्स का प्रोडक्ट हमें एक डिजिट का मिलता है सो यहाँ यूनिट प्लेस के डिजिट को प्लेस करेंगे और डायगोनल के अपर पार्ट में हमें 0 देना होगा। सबसे पहले हमें इस सब स्क्वायर को देखना है, इस सब स्क्वायर से हमें इस प्रोसेस को शुरू करना है। सो हमारे पास लोएस्ट डायगोनल जो है, यहाँ लोएस्ट डायगोनल है, इसके लोअर पार्ट में 6 है और 6 से हम यहाँ शुरू करेंगे। सो लोएस्ट डायगोनल का जो लोअर पार्ट में 6 है तो सबसे पहले एरो देकर 6 को यहाँ प्लेस करेंगे, इसे हम अंडरलाइन करेंगे। चूंकि यहाँ टेंस प्लेस का डिजिट नहीं है सो आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए कुछ कैरी ओवर नहीं होगा। सो आप देखें डायगोनली हमें इन सभी डिजिट्स का सम करना है। सो 8 और 3 हमें मिलेगा 19। सो यहाँ हम 19 को प्लेस करेंगे। सो हम 9 को अंडरलाइन करेंगे और 1 को कैरी ओवर करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, या नेक्स्ट स्टेप में उसे हम ऐड करेंगे। सो यहाँ हो गया 4, 4, 4, 12। सो नेक्स्ट स्टेप में डायगोनली जब तीनों डिजिट्स का सम किया हमें मिला 12, और यहाँ हमारे पास 1 जो कैरी ओवर था सो हमें मिला 13। 3 को अंडरलाइन करें, 1 को नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी ओवर करें। सो 1 को जब हमने कैरी ओवर किया नेक्स्ट में हमें मिला 6, और 1 ऐड करें यहाँ 7, 7 को अंडरलाइन करें। सो इस तरह से जब हम 86 का स्क्वायर लेंगे हमें सभी अंडरलाइन किए हुए डिजिट्स को अरेंज करना होगा। जब हमारा प्रोसेस एंड हो गया था यहाँ हमने 7 को अंडरलाइन किया था, तो सबसे पहले 7 को लिखें, इसके बाद हमने 3 को लिखना होगा, इसके बाद हमें 9 को लिखना होगा, इसके बाद हमें 6 को लिखना होगा। सो ये हो गया आंसर, यानी 86 का जो स्क्वायर मिला 7396 बाई यूजिंग डायगोनल मेथड। तो चलिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 67 बाई यूजिंग डायगोनल मेथड। हमें 67 का स्क्वायर निकालना है बाई यूजिंग डायगोनल मेथड। जैसा कि डायगोनल मेथड में सबसे पहले हमें एक स्क्वायर बनाना होता है, हमने रफली यहाँ एक स्क्वायर बना लिया। अगेन आप देखें जो नंबर है हमारे पास 67, ये दो डिजिट का नंबर है, सो एन इज इक्वल टू 2 लिखें। एन स्क्वायर लिखने से हमें क्या मिलेगा, एन स्क्वायर लेने से हमें 2 × 2 इज इक्वल टू 4 मिलेगा, और n माइनस 1 लें यानी 2-1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो ये 4 क्या शो करता है, 4 हमें ये शो करता है कि इस स्क्वायर को हमें
4 सब स्क्वायर्स में डिवाइड करना है जो कि इक्वल साइज के हो। सो सबसे पहले हमें इस स्क्वायर को 4 सब स्क्वायर्स में डिवाइड करना है ऑफ इक्वल साइज। अब आप देखें एन माइनस वन इज इक्वल टू वन मिला। ये वन क्या शो करता है? वन ये शो करता है कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल लाइन लेकर हम इस स्क्वायर को 4 सब स्क्वायर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने एक वर्टिकल लाइन ले लिया और एक हॉरिजेंटल लाइन ले लिया। अब आप देखें जो स्क्वायर हमने लिया था वो 4 सब स्क्वायर्स में डिवाइड हो गया है। अगेन अब इन सभी सब स्क्वायर्स का डायगोनल ड्रॉ करें। सबसे पहले हमने डायगोनल ड्रॉ किया, अगेन आप यहाँ डायगोनल ड्रॉ करें। इस तरह से आप सभी सब स्क्वायर्स का डायगोनल ड्रॉ करें और जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है 67, इस स्क्वायर के टॉप साइड में हॉरिजेंटली और लेफ्ट साइड में वर्टिकली इसे प्लेस कर दें। यानी 6 और 7 को हमने इस तरह से ऊपर में प्लेस कर दिया टॉप में इस स्क्वायर के, और लेफ्ट में हमने 6-7 को वर्टिकली प्लेस कर दिया। इस तरह से प्लेस कर दें। इसके बाद 6 को 6 से, 6 को 7 से, अगेन 7 को 6 से और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें और उसके सामने जो सब स्क्वायर से उनमें उस प्रोडक्ट को हमें लिखना है। तो किस तरह से लिखना है? 6 × 6 = 36। यहाँ 3 लिखें, यहाँ 6 लिखें। 6 × 7 = 42, सो यहाँ 4 लिखें, यहाँ 2 लिखें। या डायगोनल के अपर पार्ट में जो प्रोडक्ट है उसके टेंस प्लेस का डिजिट प्लेस होगा और डायगोनल के लोअर पार्ट में उस प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस का डिजिट प्लेस होगा। सो 7 × 6 = 42, सो 4 को यहाँ लिखें, 2 को यहाँ लिखें। 7 × 7 = 49, 4 को यहाँ लिखें, 9 को यहाँ लिखें। अब हमें इस सब स्क्वायर पे विचार करना है, यानी यहाँ हमें इस सब स्क्वायर को देखना है, या यूँ कहें कि जो लोएस्ट डायगोनल है हमारे पास ये, इस लोएस्ट डायगोनल का लोअर पार्ट यहाँ देखें 9 है। सो 9 से हमें इस प्रोसेस को शुरू करना है। सो यहाँ एरो दें, 9 को यहाँ लिखकर इसके नीचे अंडरलाइन कर दें। यहाँ चूंकि टेंस प्लेस का कोई डिजिट नहीं है सो नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी ओवर नहीं होगा। अगेन डायगोनली अब इनका हमें सम करना है। सो 2, 2, 4 एंड 4, 8। यहाँ भी हमें 8 मिला। सो यहाँ भी टेंस प्लेस का कोई डिजिट नहीं है सो नेक्स्ट स्टेप के लिए कुछ भी कैरी ओवर नहीं होगा। अब डायगोनली हम यहाँ देखेंगे 4, 6 एंड 4, सो हमें मिला 14। इसके यूनिट प्लेस के डिजिट को अंडरलाइन करें और टेंस प्लेस के डिजिट को नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी ओवर करें। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ 3 है और ये जो कैरी ओवर करके हमने 1 लाया, 3 + 1 हमें 4 मिला। इसे भी आप अंडरलाइन करें। यानी जब हम 67 का स्क्वायर निकालेंगे इन सभी अंडरलाइन किए हुए डिजिट्स को हमें अरेंज करना होगा। सो इसे हम अरेंज करें। हमारा जब प्रोसेस एंड हुआ यहाँ हमें 4 मिला था, सो यहाँ हम इधर से अरेंज करेंगे। सो यहाँ 4 लिखेंगे, इसके बाद अगेन हम 4 लिखेंगे। यहाँ 8 को अंडरलाइन किया था सो 8 लिखेंगे, लास्ट में यहाँ 9 को लिखेंगे। यानी 67 का स्क्वायर 4, 4, 8, 9 बाय यूजिंग डायगोनल मेथड। सो इस तरह से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डायगोनल मेथड। चलिए हमारे पास एक और एग्जांपल है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 137 बाय यूजिंग डायगोनल मेथड। सो हमें 137 का स्क्वायर निकालना है बाय यूजिंग डायगोनल मेथड। जैसा कि डायगोनल मेथड में सबसे पहले हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना होता है, सो हमने यहाँ रफली एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अगेन जो नंबर हमारे पास है वो 137 है। यहाँ n इज इक्वल टू 3 लिखें क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है, 1, 2, 3। सो 3 लिखें। अब n स्क्वायर इज इक्वल टू जब हम लेंगे सो 3 का स्क्वायर हमें मिलेगा 9, और n माइनस 1 लेने से हमें मिलेगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ये 9 क्या शो करता है? 9 ये शो करता है कि इस स्क्वायर को हमें 9 सब स्क्वायर्स में डिवाइड करना है जो कि इक्वल साइज के हों। और ये 2 शो करता है कि 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर हम इसे 9 सब स्क्वायर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 वर्टिकल लाइन हमने लिया, यहाँ 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर हम इसे 9 सब स्क्वायर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो हमने 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लिया और ये स्क्वायर जो है 9 सब स्क्वायर्स में डिवाइड हो गया। अगेन अब आपको डायगोनल ड्रॉ करना है। सो इन सभी सब स्क्वायर्स का डायगोनल बारी बारी से ड्रॉ कर दें। सो हमने यहाँ डायगोनल इस तरह से ड्रॉ किया, आप इस तरह से डायगोनल ड्रॉ करें। अगेन हमारे पास जो नंबर है 137, इनके डिजिट्स को टॉप में हॉरिजॉन्टली और लेफ्ट में वर्टिकली प्लेस करें। सो सबसे पहले 1 को हमने यहाँ प्लेस किया, इसके बाद 3 को यहाँ और 7 को यहाँ। इसी तरह से आप लेफ्ट में वर्टिकली से प्लेस करें 1, 3, 7, इस तरह से आप प्लेस करें। अगेन एक बार 1 को 1 से, 1 को 3 से, 1 को 7 से, अगेन 3 को 1 से, 3 को 3 से और 3 को 7 से, अगेन 7 को 1 से, 7 को 3 से और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें और उनके सामने जो सब स्क्वायर्स हैं उनमें डायगोनल के अपर और लोअर पार्ट में उस प्रोडक्ट के डिजिट्स को प्लेस करें।
तो सबसे पहले 1 into 1 1, हमारे पास एक डिजिट का नंबर मिला, एक डिजिट का नंबर मिला तो हमने सबसे पहले कहा कि यूनिट प्लेस में जो नंबर होगा उसे डायगोनल के लोअर पार्ट में प्लेस करें और अपर पार्ट में 0 प्लेस कर दें। चूंकि ये एक डिजिट का नंबर है 1 into 3 3, सो 3 यानी यूनिट प्लेस के डिजिट को डायगोनल के लोअर पार्ट में प्लेस करें, अपर पार्ट में 0 प्लेस कर दें। इसी तरह से 1 into 7, सो 7 को डायगोनल के लोअर पार्ट में और अपर पार्ट में हम 0 को प्लेस कर दें। अगेन 3 into 1 3, सो 3 को यहाँ 0 प्लेस करें, 3 3 9, सो यहाँ 0 प्लेस करें, 3 7 21। जब 21 मिला तो टेंस प्लेस का डिजिट जो है डायगोनल के अपर पार्ट में चला गया और यूनिट प्लेस का डिजिट यानी 1 डायगोनल के लोअर पार्ट में। इसी तरह 7 1 7, सो यहाँ 0 यहाँ 7, 7 3 21, सो 2 1, 7 7 49, सो इस तरह से डिजिट्स को प्लेस करें। सो अब हमें इस सब स्क्वायर को देखना है, इस सब स्क्वायर पर विचार करना है, और यहाँ हमारे पास लोएस्ट डायगोनल है, इसके लोअर पार्ट में यहाँ 9 है, सो 9 से इस प्रोसेस को हमें शुरू करना है। सो 9 को यहाँ लिखें, इसे अंडरलाइन करें, चूंकि टेंस प्लेस का कोई डिजिट नहीं है, सो नेक्स्ट स्टेप के लिए कुछ भी कैरी ओवर नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम डायगोनली इन सभी डिजिट्स का सम करेंगे, यानी 1 4 और 1, हमें यहाँ जो मिलेगा 6 6 को भी हम अंडरलाइन करेंगे, चूंकि यहाँ टेंस प्लेस का कोई डिजिट नहीं है, सो नेक्स्ट स्टेप के लिए कुछ भी कैरी ओवर नहीं होगा। सो अब डायगोनली हम इन सभी डिजिट्स का सम करें, यानी 7 और 2 9 और 9 18 और 2 20 एंड 7, हमें मिलेगा 27। हम यूनिट प्लेस के डिजिट को अंडरलाइन करेंगे और टेंस प्लेस के डिजिट को नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी ओवर करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डायगोनली यहाँ 3 + 3 मिलेगा 6, और हमने जो कैरी ओवर किया 2 उसे यहाँ ऐड करेंगे, सो हमें मिलेगा 8। सो नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाएंगे 0 + 1 + 0, यहाँ हमें मिलेगा 1, और 1 को ही हम अंडरलाइन करेंगे, इसके बाद 0 है, सो ये स्टेप यहाँ पे एंड हो गया। जब हमें 137 का स्क्वायर निकालेंगे, सो हमें इन सभी डिजिट्स को अरेंज करना होगा। सबसे पहले जब स्टेप यहाँ हमारा एंड हो गया था, हमने 1 को अंडरलाइन किया था, तो सबसे पहले हम यहाँ 1 को ले लेंगे, इसके बाद यहाँ 8 को लेंगे, इसके बाद 7 को, इसके बाद 6 और 9 को, इस तरह से हमें मिला 18,769। 137 का जो स्क्वायर हमें मिला वो मिला 1 8 7 6 एंड 9 बाय यूजिंग डायगोनल मेथड।